मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी में हजारों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट की सौगात लेकर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी गारंटी ही पूरी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक प्रतिज्ञा की पूर्णता की मौन गवाही भी दे रहे थे। वो प्रतिज्ञा जो साल 1992 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूर्व प्रचारक और बीजेपी संगठन के एक महासचिव ने की थी। वो प्रतिज्ञा जिसकी साक्षी खुद अयोध्या है। वो प्रतिज्ञा जो राष्ट्र की अखंडता के संकल्प पर निकले राम भक्त ने की थी। वो प्रतिज्ञा जो सरयू किनारे खड़े होकर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के संयोजक ने की थी, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। ग्यारह दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी से शुरू हुई बीजेपी की एकता यात्रा 14 जनवरी को अयोध्या पहुंची। ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में थे। तत्कालीन बीजेपी चीफ मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी ही थे। उस वक्त नारा चलता था, देश के हैं तीन धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी नरेंद्र मोदी का नाम अनसुना था और चेहरा अनदेखा। मुरली मनोहर जोशी को देखने भारी भीड़ जुटी। भीड़ में धक्का मुक्की के बीच अयोध्या के एक पत्रकार ने जोशी की तस्वीर खींचनी चाही। फोकस जोशी पर था, लेकिन तस्वीर में नरेंद्र मोदी भी आ गए। मोदी को पता था राम भक्तों का संघर्ष क्या है। मोदी को पता था अयोध्या की पीड़ा क्या है। मोदी को पता था रामलला को किस क्षण का इंतजार है। रामलला को टेंट में देखकर मोदी भाव शून्य से हो गए। वो रामलला की ओर देखते हुए कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे, ये उस शख्स से पूछिए जिसके कैमरे में ये मोमेंट कैप्चर हुआ था। मुझे तो बेहद खुशी है कि 14 जनवरी 1992 में मैंने राम भक्त नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है रामलला के दरबार में खींची थी। उस समय रामलला का प्राकट उत्सव था और वो एकता यात्रा लेके आए हुए थे और काफ़ी देर तक वो रामलला के दरबार में रहे हैं और उन्होंने कुछ संकल्प भी लिया था और मैंने उनसे कुछ सवाल भी पूछा था कि दोबारा कब आएंगे, तो उन्होंने जो है कुछ सोच के बताया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि महेंद्र त्रिपाठी कौन हैं, क्यों नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपनी राम प्रतिज्ञा बताई थी, तो जान लीजिए कि महेंद्र के पास ही तब की राम मंदिर की तस्वीरें हुआ करती थी। राम मंदिर आंदोलन में गोलीकांड की गवाही हो या बाबरी विध्वंस के अनसुने राज हो, महेंद्र त्रिपाठी 90 के दशक से ही फैजाबाद से अयोध्या तक के सफर की हर बड़ी घटना, हर ऐतिहासिक तारीख के गवाह रहे हैं और महेंद्र त्रिपाठी ही वो शख्स हैं जो मोदी की राम प्रतिज्ञा के साक्षी हैं। कि उनकी खुद की ये भविष्यवाणी थी, एक राम भक्त की भविष्यवाणी थी। ना जाने कौन से उनके ऊपर राम जी की कृपा हो गई कि उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई और वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने और जो है राम जी की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने जो संकल्प 32 वर्ष पहले लिया आज वो प्रधानमंत्री के रूप में जो है उसको करके दिखाया है। मोदी के मन में भाव जो हमने अभी तक का देखा है 32 वर्षों में, सिर्फ एक ही उनके अंदर एक संकल्पित व्यक्ति हैं और वो वाकई में एक राम भक्त हैं और सच्चे राम भक्त हैं। एकता यात्रा के संयोजक से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने का सफर मोदी ने 22 सालों में तय कर लिया, लेकिन महेंद्र त्रिपाठी के सामने ली गई राम प्रतिज्ञा को हर पल मोदी निभा रहे थे। कई बार ऐसा हुआ जब पीएम मोदी अयोध्या गए, राम मंदिर के करीब भी गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। 5 मई 2014 को अयोध्या जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मोदी की रैली हुई, लेकिन राम जन्मभूमि नहीं गए। 16 फरवरी 2017 को फिर से पीएम मोदी ने अयोध्या से सटे बाराबंकी जिले में रैली की, लेकिन अयोध्या की चौहद्दी पार नहीं की। 1 मई 2019 को अयोध्या जिले के रामपुर माया में रैली की, लेकिन राम जन्मभूमि से दूर ही रहे। 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और उसके कुछ ही महीनों बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों के पक्ष में फैसला दिया और इस तरह से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संसद में भी इसका जिक्र किया
और खुद ऐलान किया कि राम मंदिर बनाने की ओर सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। जब ट्रस्ट बन गया, राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, पीएम मोदी की प्रतिज्ञा पूर्णता की ओर बढ़ गई, तब वो ठीक 6 महीने बाद अयोध्या पहुंचे। आज से करीब 3.5 साल पहले यानी 5 अगस्त 2020 को मोदी ने अपने संकल्प का एक पड़ाव पूरा किया, जब 29 साल बाद वो पहली बार रामलला का दर्शन करने पहुंचे। तब जिंदगी पर कोरोना का साया था, बावजूद इसके चेहरे पर मास्क लगाए प्रधानमंत्री मोदी अपने संकल्प को सिद्ध करने पहुंचे थे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया था, उनसे अखंड आशीर्वाद लिया था, जन कल्याण का आशीष लेने के बाद उस मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे थे जो सदियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हिंदुस्तान के प्रधान ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। मोदी यजमानः। नींव में आस्था का पत्थर रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। आधारशिला रखने के बावजूद पीएम मोदी के मन में राम मंदिर को लेकर कैसी उत्सुकता बनी हुई थी, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जो अक्टूबर 2022 की है। मंदिर कैंपस में घूम घूम कर प्रधानमंत्री ने इंच इंच की स्थिति के बारे में समझा था, मंदिर की मजबूती और प्रगति के बारे में जाना था। अब जबकि नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे, रामनगरी को विकास की विराट सौगात दे रहे थे, राम भक्तों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अपनी राम प्रतिज्ञा पर एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच का गुप्त संवाद है।